जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी जल्दी से हो जाए और सभी के मनोकामनाएं पूरी हो जाए। सो बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही हैं, वो लोग शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके लिए मैंने भी आप सभी के लिए प्रे कर दिया है। आप जिन्हें भी मानते हो उनको याद करके आप जो जो मांगना चाहते हो, आपका हस्बैंड कैसा होगा, आपका वाइफ कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, आपका जो भी क्राइटेरिया है आप यहाँ पर भगवान से मांग सकते हो। मैं भी भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि आप लोगों का विश पूरा हो जाए, आपके लव लाइफ के साइड से आपके शादी को लेकर जो भी विशेस हैं आपके मन में वो सब यहाँ पर पूरा हो जाए। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी शादी किससे होगी, आपका फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपका फ्यूचर वाइफ कौन होने वाला है, वो कब आपके लाइफ में आएंगे, आप लोग कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, वो दिखने में कैसे होंगे, ये सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो और जब भी ये वीडियो आपके सामने आ जाए तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर दो पाइल हैं, आपको एक पाइल चूज़ करना है। ये है पाइल नंबर वन, ये है पाइल नंबर टू। सो अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ यानी जन्म का महीना जून, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, नवंबर, सितंबर हैं, सो आप पाइल वन चूज़ कर लीजिए। और अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म का महीना मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च हैं, सो आप पाइल टू चूज़ कर लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल वन, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है यानी आपका जन्म का महीना जून, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, नवंबर, सितंबर है, तो चलिए देख लेते हैं आपका फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपका फ्यूचर वाइफ कौन होने वाला है, कैसा होने वाला है। ये रीडिंग टाइमलेस हैं, जनरल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो और जब भी ये वीडियो आपके सामने आ जाए आप तभी इसे देख सकते हो, तभी आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। अगर अचानक से आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो ज़रूर से ज़रूर आपके लिए कुछ मेजर मैसेजेस यहाँ पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज है, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो इसका मतलब है आपका भाग्य अभी जैसा भी है, शादी होने के बाद या फिर उस पर्सन से मुलाकात होने के बाद से आपका जो फॉर्चून है, आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपके लिए आ गया है। बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा पॉजिटिविटी, बहुत सारा अबंडेंस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन कैसे इंसान होंगे, बाहर से कैसे होंगे, अंदर से कैसे होंगे, ये इंसान कैसा होगा, इनका नेचर कैसा होगा, यही हम देखने वाले हैं फर्स्ट। आप पॉजिटिव रहो। द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। सो यहाँ पर एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्यूरियस हैं,
अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है और वाटर साइन कैंसर की एनर्जी यहाँ पर है, पर स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा कम है। ओके, सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप जब उनसे मिलोगे उस टाइम पर उनका जो दिल है वो टूटा हुआ होगा, वो इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आपको मिलेगा। और जब ये इंसान के साथ आपका मुलाकात होगा, इस इंसान के दिल में लव को लेकर कोई भी फैंटेसी नहीं रहेगा, कोई भी इमेजिनेशन नहीं रहेगा, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। ये लव को पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी से बाहर करना चाहेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि लव एक ट्रैप है। ओके, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स यही कार्ड हैं जो बताता है उनका जो फैमिली है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और किसी जॉइंट फैमिली में से बिलोंग करते होंगे ये इंसान, ऐसा हो सकता है। ओके, और इस इंसान के घर में एक या फिर दो डॉगी हो सकता है एज अ पेट। ओके, सो इस इंसान के फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 10 या फिर 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान जॉइंट फैमिली से बिलोंग करेंगे और इनका जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली है और इनका कोई फैमिली बिजनेस है, यहाँ से मुझे लग रहा है। और ये इंसान बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिच हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये इंसान बहुत सारे पैसा कमा पाए हैं, इसके थ्रू ही ये इंसान अभी रिच हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान बचपन से ही रिच हैं, इनके घर वाले किसी भी चीज़ का कमी इनको महसूस नहीं करने देते हैं, पर इनके लाइफ में एक चीज़ का कमी है, वो है लव की कमी। ये इंसान किसी के तरफ से बहुत ज़ोर से धक्का खाने वाले हैं और उसके बाद ही आपके पास आने वाले हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर द मून है। ओके, सो इस इंसान का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बैठा जाएगा, बहुत ज़्यादा लो फील करने वाले होंगे जब आपके साथ इनकी मुलाकात होगी, पर एक्चुअली ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बाइक चला सकते हैं, बाइक इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये इंसान जो चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, सिवाय लव के, इनके लाइफ में लव नहीं है। ओके, सो यही एक बहुत बड़ा सच है इनके लाइफ में, इनके लाइफ में लव नहीं है। सो इसीलिए ये इंसान खुद को लव के साइड से बहुत ज़्यादा कर्स मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में, इनके नसीब में लव नहीं है। सो ये लव के भूखे हैं, ये प्यार के भूखे हैं, इन्हें एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहा है ज़िंदगी में और ये इनको नहीं मिला है, और ये इनको आने वाले टाइम में मिल जाएगा जब ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेविल, सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फैमिली को सबसे आगे रखते हैं। इनके फैमिली को अगर कोई कुछ कह देता है सो ये इंसान उसको छोड़ते बिल्कुल भी नहीं है, ये इंसान उस वक्त डेविल बन जाते हैं। जब भी इनके प्यार करने वाला कोई मुसीबत में होता है, ये इंसान सबसे पहले उसके पास चले जाते हैं, उसके ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सो अभी आप सोच सकते हो, जब आप इनके लाइफ में आ जाओगे, ये इंसान आपको प्यार करने लगेंगे, आप इनके हस्बैंड या फिर वाइफ जब बन जाओगे, तब ये इंसान आपको कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपका कितना ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। ये इंसान दिल से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, जैसे कि मैंने मेजर मैसेज से बताया, आपके लिए आया था द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आया था, सो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है, आपका जो भाग्य है, वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है इस इंसान से मुलाकात होने के बाद या फिर इनसे शादी होने के बाद। ओके, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इनको ना डिसीशन मेकिंग प्रॉब्लम है, इनको समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे या फिर नहीं। अगर दोनों सिचुएशन इनके सामने किसी भी वजह से आ जाए, इनको समझ में नहीं आएगा कि किसको चूज़ करे या फिर नहीं। इसीलिए उस वक्त ये इंसान अपने फैमिली को जाकर पूछते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर
किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। ओके, सो उस वक्त इनके फैमिली जो कहते हैं ये वही करते हैं, इनको डिसीशन मेकिंग प्रॉब्लम है। ओके, और ये इंसान जब भी दुविधा में पड़ जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम आता है इनके लाइफ में। ये इंसान जो भी मांगते हैं वो इनको मिल जाता है, ये एकदम से बचपन से ही ब्लेस्ड हैं भगवान की तरफ से। ओके, ये इंसान जो मांगते हैं वही इनके पास चला आता है। ये इंसान एक सच्चे लव को भी मैनिफेस्ट किया हुआ है, सो इसके लिए ही ये इंसान आपको पाने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, और मैटरिस्टिक वे में इनके पास कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया 10 of Pentacles आया था, सो इसका मतलब है इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एक फुलफिल एनर्जी है 10। आप इस कार्ड से देख सकते हो ये इंसान बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा, पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये इंसान। आप इससे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अंदर से टूटते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं। और इस इंसान के साथ आपका कैसे मुलाकात होगा, कब मुलाकात होगा, या फिर ये इंसान दिखने में कैसे होंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं डिटेल में, पॉजिटिव रहें। यहाँ पर हैं 2 of Wands, King of Cups, सो यहाँ पर हैं किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन, द टावर, 10 of Pentacles, स्ट्रेंथ, सो देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक किंग की एनर्जी में रहने वाला इंसान होगा। इनको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, देखो एक ही बात बार बार आया है, ये इंसान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, द मैजिशियन से मुझे लग रहा है ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना जानते हैं। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान जब आपके साथ मिलेंगे, मैंने पहले ही बताया द टावर मोमेंट से मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो हार्ट है वो ब्रोकन सिचुएशन में रहेगा। तब ये इंसान मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अननोन पर्सन होगा आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जाने पहचाने में से ही कोई होगा। ओके, और इनके मन में हमेशा एक स्ट्रेंथ बना हुआ रहता है, एक पावर बनी हुई रहती है। इनको ऐसा लगता है कि लव के अलावा मेरे पास सब कुछ है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होने वाला है, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो रहने वाला है, और शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, बड़ा वाला कार में घूमते हैं और पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, तो खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं ये इंसान, अपने फिगर को भी और ड्रेसअप को भी। अगर ये इंसान एक मेल है तो जिम में ज़रूर से ज़रूर जाते होंगे हर रोज़, और अगर ये इंसान फीमेल है तो ये इंसान हर रोज़ सुबह उठकर योगा करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखते हैं, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि डाइट चार्ट भी फॉलो करते हैं। सो आप इनके साथ किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हो, किसी जिम में मिल सकते हो, या फिर बड़े वाले पार्टीज़ में मिल सकते हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके साथ रोड पर भी मिल सकते हो, यानी रस्ते में। ओके, कुछ इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ उनका, पहले ही दिन आपके साथ इनका कुछ झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और उस सिचुएशन के बाद से ही आप इनसे फ्रिक्वेंटली टकराने लगोगे, और उसके थ्रू ही आप दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बिल्डअप होने वाला है। इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह इनका हो सकता है, या फिर इनका कोई बड़ा वाला ऑफिस हो सकता है, जिस ऑफिस के ये CEO हो या फिर बॉस हो, या फिर बड़े ऊँचे पोस्ट में नौकरी करते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ भी हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो लग रहा है मुझे। आप जब इस पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम मीट करोगे
मतलब इनका जो हार्ट है वो ब्रोकन है वो आपको पहले पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनका जो बाहर का जो ईगो है वही आपको दिखेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंसान अंदर से इतना ज़्यादा टूटे हुए हैं। धीरे धीरे से आपको पता चलने लगेगा कि ये इंसान अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छे हैं, पर बाहर से आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। इनका जो पर्सनालिटी होगा ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अगर ये मेल हैं तो इनका जो हेयर कट है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होगा, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका हेयर कलर ब्लैक ही होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ब्राउन कलर हो सकता है। और अगर लड़की है यानी फीमेल है तो इनका जो बाल है वो कुछ हद तक शॉर्ट हेयर रहेगा, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग हेयर ही होगा। अगर वो मेल है वो दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हैं, अगर वो फीमेल है तो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं। उनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा मासूम होने वाला है। सो चलिए आपके पर्सन को लेकर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देख लेते हैं। तो चलिए उनका नेम का इनिशियल चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन के जो नेम है उसका इनिशियल क्या होने वाला है। क्यू। सो आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू भी हो सकता है। सिंगर हो सकते हैं आपके जो पर्सन हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है जो इनमें चला आया है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का पर्सन सिंगर हो सकते हैं। तो यहाँ पर है एच। सो आपका पर्सन का फर्स्ट लेटर एच भी हो सकता है, नेम का फर्स्ट लेटर। और यहाँ पर है जेड ए एम एस पी। सो ये सब भी हो सकता है इनिशियल। एफ भी हो सकता है। वाई भी हो सकता है। आपका पर्सन का नाम भी से भी स्टार्ट हो सकता है, जे से भी स्टार्ट हो सकता है। ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज है। सो मैंने बताया था अगर आपके पर्सन एक फीमेल है सो ज़रूर से ज़रूर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं। के से भी स्टार्ट हो सकता है, एम से भी स्टार्ट हो सकता है। स्वीट। ओ वाओ, देखो आपके जो पर्सन है वो स्वीट भी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट सा, मासूम सा देखने में हो सकता है। ई भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। एल। ओके, सो एल से भी स्टार्ट हो सकता है आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर। सो चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस और देख लेते हैं। एक्टर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो यूट्यूब में एक्टिंग करते हैं, यानी कोई फेमस यूट्यूबर भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान कोई थिएटर करते हैं, या फिर बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड में या फिर एड में काम करते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, और यहाँ पर है पेंटिंग आर्टिस्ट। सो पेंटिंग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर पेंटिंग इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। सो फुटबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं, फुटबॉल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर है हैंडसम। ओह वाओ, सो अगर आपका पर्सन मेल है तो ज़रूर से ज़रूर हैंडसम होने वाला है, देखो मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर है फादर फिगर। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो ज़रूर से ज़रूर फादर फिगर होने वाले हैं, आपके पापा के जैसा। ओके, यहाँ पर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, और डांसर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यूट। ओह माय गॉड,
सो आपके जो पर्सन हैं वो स्वीट होने वाले हैं, क्यूट होने वाले हैं। यहाँ पर हैं फेयर, तो उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होने वाला है। ओके, सो क्रिकेटर भी हो सकते हैं। यहाँ पर हैं साइंटिस्ट, साइंस का कोई ऊंचे पद में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यानी साइंटिस्ट भी हो सकता है। डी से भी स्टार्ट हो सकता है आपके पर्सन का नेम का इनिशियल। सो आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है या फिर जो फ्यूचर वाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, मैंने पहले ही कहा था आपसे व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है। ओके, सो देखो टाइम देखना भूल गई, सो कब तक आपके साथ इनकी मुलाकात हो जाएगी। सो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है। दिसंबर मंथ में भी आपके साथ उनकी मुलाकात हो सकता है। ओके, और जनवरी में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि जनवरी और दिसंबर मंथ में आपके साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी। और ओके, सो यहाँ पर फेब्रुअरी भी दिख रही है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी मंथ और अक्टूबर मंथ, इन चारों जो महीना हैं, इन चार महीने में आपके साथ इनकी मुलाकात हो जाएगी। ओके, सो बाय। हेलो पायल टू, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है यानी आपका मंथ ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म का महीना मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च हैं, सो आपके लिए है पायल टू। तो चलिए देख लेते हैं आपके मेजर मैसेज में क्या आया है। ओ वाओ, सो यहाँ पर है द सन। तो जिस टाइम पर आपके फ्यूचर हस्बैंड के साथ या फिर आपके फ्यूचर वाइफ के साथ आपका मुलाकात होगा उसी टाइम से आपका जो फॉर्चून है वो बदल जाएगा, यानी आपके जो लाइफ हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस यहाँ पर एंटर करती हुई दिख रही हैं, बहुत सारा पॉजिटिविटी एंटर करने वाला है। आपकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आपका जब इनसे शादी हो जाएगा तभी से आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देख पाओगे। सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं जो आपके लिए आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के डिटेल्स, इसे हम साइड कर देते हैं। सो पॉजिटिव रहें। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये पर्सन अंदर से कैसे होने वाले हैं, इनका मन कैसा होगा या फिर बाहर से ये इंसान कैसा होगा। ओके, सो उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, यही सब, इनके नेचर कैसा होगा, ये सब हम देखने वाले हैं अभी। इसके बाद हम और डिटेल में देखेंगे बाकी चीज़ें। पॉजिटिव रहें। फोर ऑफ वंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। एट ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ वंड, पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और एयर साइन जिमना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस की एनर्जी यहाँ पर अलग से हैं, पर यहाँ पर वागो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, बाकी राशियों का एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ से मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं, उनका दिल साफ़ होगा,
इंसान बहुत ज़्यादा मस्ती करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं। आप इस फोर ऑफ वंड से देख सकते हो, हमेशा एक जॉयफुल नेचर में रहते हैं। इनका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं। ये इंसान घूमना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वंड्स और द वर्ल्ड से मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान है, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक दिल बना हुआ है। इस पर्सन के साथ जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप होगा और बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक सोलमेट लग रहे हो मुझे। ये इंसान बिना कहे ही आपके दिल की बात समझ जाएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और इंट्यूटिव पर्सन भी लग रहा है मुझे। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को सॉफ्ट रोमांटिक लव स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और फैंटेसी वर्ल्ड में ये इंसान ज़्यादा रहते हैं रियल वर्ल्ड से ज़्यादा, ओके। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एट ऑफ वंड्स हैं, सो इस इंसान के हार्ट में बहुत ज़्यादा प्यार है, ओके। सो ये इंसान सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ इनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्ड्स, यानी ये कार्ड ये दोनों कार्ड ही बता रहा है, और ये कार्ड भी, ये तीनों कार्ड ही बता रहा है आप दोनों के बीच में जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तब आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होता जाएगा, ओके। आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप दोनों लव लाइफ के तरफ से सभी के लिए एक मिसाल भी सेट कर सकते हो। ये पर्सन आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं या फिर ये जो फ्यूचर वाइफ हैं, ये पर्सन आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो सकता है, और इनका फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है मुझे। इनके फैमिली में 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स हो सकता है मैक्सिमम, ओके। इससे छोटा परिवार भी हो सकता है, यानी 3 लोग हो सकते हैं फैमिली में। इनको एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद है और हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ से मुझे लग रहा है। और इस इंसान को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। सो इनके घर में कुछ बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल्स एज अ पेट रखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो इनके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, इनफ मनी सोर्स इनके पास हैं। और यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान का IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये इंसान स्मार्ट भी है, ओके, और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े भी पहनते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। आप टेम्परेंस से देख सकते हो, इनको ऐसा लगता है कि ये जो करते हैं वो सही करते हैं, और जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, और सोचकर जो डिसीशन लेते हैं वो भी इनको सक्सेस तक ही ले जाता है। सो इसके लिए ही ये इंसान ने ज़्यादा कम टाइम में इतने अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो पाए हैं। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है जो इन्होंने क्रिएट किया है, या फिर इनका खुद का कोई ऑफिस हो सकता है, ओके, जिसका बॉस ये इंसान है। सो ये इंसान खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनको। और यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर के हैं। सो इस इंसान के दिल में अगर दुख दर्द है भी, इसको ये इंसान किसी को भी नहीं शो करते हैं। इनका दुख इनके अंदर ही रखते हैं, और बाहर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ओके। सो इनकी मन की बात हर कोई नहीं समझ पाता है, पर आप समझ पाओगे, ओके। मैंने पहले ही बताया आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे की मन की बात आसानी से समझ पाओगे, और हर एक टाइम मज़े में बिताते हैं, हर एक टाइम खुल के जीते हैं, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी है आपकी पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो और भी ज़्यादा डिटेल देख लेते हैं कि कब आपके साथ इनकी मुलाकात होगी, कैसे होगी, ओके, इनको देखने में कैसा होगा। मैंने कुछ हद तक बता दिया है ऑलरेडी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, अगर वो लड़की है तो। अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो ज़रूर से ज़रूर होगा। यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी बाहर आ गया है, वो है पेज ऑफ वंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ वंड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मून, एट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान खुद की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं, ये इंसान खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, किस चीज़ में खुद को अच्छा लगता है, किस चीज़ में नहीं, ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हेयर कलर यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक दोनों ही लग रहा है मुझे। सो ओवरऑल खुद के कपड़े के ऊपर, खुद के स्टाइल के ऊपर, खुद के फिगर के ऊपर, खुद के फिटनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ये इंसान। ओके, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि द मून से और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनका कोई पास्ट है। ओके, सो अभी इनका ब्रेकअप हो चुका है, पर कभी कभी इनको वो पिछली बातें याद आ जाता है और इसीलिए ये इंसान उस वक्त थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है उस टाइम पर। ये इंसान लव लाइफ की तरफ से पूरी तरीके से होपलेस हो चुके हैं। जब आपके साथ इनका मुलाकात होगा तब ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये फैमिली की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। और इनके घर में कोई फीमेल फिगर है जिनकी बात ये इंसान बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर एक बात मानकर चलते हैं। ये पर्सन इनके मम्मी हो सकते हैं या फिर दादी जी हो सकते हैं, सो कोई भी हो सकता है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मदर फिगर होगा। ओके, सो ये पर्सन अपनी मम्मी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और अगर फीमेल है तो इनका हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगा। और अगर वो इंसान लड़का है, यानी आपका फ्यूचर स्पाउस अगर लड़का है, सो तब भी यहाँ से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनका हेयर शॉर्ट होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। और ड्रेसअप के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। और इनका कम्प्लेक्शन यहाँ से मुझे लग रहा है कि फेयर होगा और सांवला या फिर सांवली भी हो सकती हैं। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग है, पर तब भी इनको ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है, इनके लाइफ में कुछ मिसिंग है। सो कुछ मिसिंग एनर्जी इनके पास रहेगा, पर क्या मिसिंग है ये इंसान ये ढूंढ नहीं पाएंगे। इसको ढूंढते ढूंढते ही इस इंसान को आप मिल जाओगे और तभी ये इंसान समझ पाएंगे कि इस इंसान के लाइफ में क्या मिसिंग था। ओके, या फिर क्या मिसिंग थी। ओके, और ये इंसान बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, मैंने पहले ही बताया। सो कहीं पर घूमने जाकर आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर कोई पार्टीज़ में, कोई गेट टुगेदर में आप दोनों का मुलाकात हो सकता है, या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी यहाँ पर पॉसिबल लग रहा है मुझे, मतलब सोशल मीडिया में भी आपके साथ इनकी मुलाकात हो सकता है। देखिए कब तक आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, कब तक आप दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्च जो महीना है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 3 है। ओके, सो मार्च महीना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मार्च महीने तक आपसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे अगस्त महीने में भी मुलाकात हो सकती है, या फिर सितंबर मंथ में भी मुलाकात हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी और फरवरी में भी मुलाकात हो सकती है। ओके, 3 तारीख आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो चलिए देख लेते हैं उनका नेम का इनिशियल क्या होने वाला है आपका फ्यूचर स्पाउस का। ओके, तो यहाँ पर है W। सो आपका फ्यूचर स्पाउस का नेम का इनिशियल W भी हो सकता है, या फिर ZAMSP से भी शुरू हो सकता है उनका नाम। और यहाँ पर है M। ओके, सो उनका नेम का इनिशियल M भी हो सकता है, C भी हो सकता है, J भी हो सकता है,
ओके सो एम दो बार आया है, ओके आप देख लो। जे के एल टी वाई से भी शुरू हो सकता है, जे भी यहाँ पर दो बार आया है। ए ए भी यहाँ पर दो बार आया है, ओके सो आपका फ्यूचर स्पाउस का नेम का इनिशियल ए भी हो सकता है। यहाँ पर आई डी ओ क्यू पी ये सब भी हो सकता है। डी भी हो सकता है, डी भी यहाँ पर दो बार आया है। और इसके बाद है आई, सो आई भी हो सकता है, सॉरी ये एच है, ओके। और यहाँ पर है टी, और एक है देख लेते हैं लास्ट है आर, ओके सो आर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पर है बिजनेसमैन, देखो मैंने बताया था। और यहाँ पर सिंगर, सिंगर लोगों का जो बाल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो सिंगर हो सकते हैं। और यहाँ पर हैं साइंटिस्ट, सो साइंटिस्ट लोगों का भी बाल थोड़ा सा लंबा होता है अगर वो मेल है तो। और यहाँ पर हैं हैंडसम, सो ज़रूर से ज़रूर ये इंसान हैंडसम तो होने वाले हैं क्योंकि इनके फिगर के ऊपर ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पर हैं फेयर, सो मैंने बताया था आपको कि इनका कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है। और यहाँ पर है मदर फिगर, सो आपके जो पर्सन जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मदर फिगर के हो सकते हैं, यानी आपके माँ के जैसा हो सकता है। और यहाँ पर है ई, सो ई से भी स्टार्ट हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका नेम का इनिशियल। यहाँ पर है डार्क, सो डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है मैंने बताया था आपको सांवला या फिर सांवली हो सकती है। और यहाँ पर है पेंटिंग आर्टिस्ट। और फूड आर्टिस्ट भी हो सकता है, इस टाइम पर फूड आर्टिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपके पर्सन यानी आपके फ्यूचर स्पाउस फूड आर्टिस्ट होते हैं सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे टेस्टी खाना खाने को मिलेगा आपको, ओके। सो यहाँ पर हैं फुटबॉल प्लेयर, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको फुटबॉल पसंद हो सकता है, फुटबॉल शायद खेलते होंगे। सो क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है आपका पर्सन का नेम का इनिशियल यानी आपके फ्यूचर स्पाउस का। क्रिकेटर भी हो सकते हैं, और एस से स्टार्ट हो सकता है, एस यहाँ पर थ्री टाइम्स आया है, ओके सो एस से बहुत सारे लोगों का फ्यूचर स्पाउस का नाम स्टार्ट हो सकता है। टीचर हो सकते हैं, यानी कॉलेज में पढ़ाते हो ऐसा कोई टीचर हो सकता है, या फिर ट्यूशन टीचर हो सकता है, या फिर म्यूजिक टीचर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, ओके। देखो इसको मैंने खोल कर बंद कर दिया था, इसके लिए फिर से मैंने खोला इसको, ओके। सो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा क्राइटेरिया, ऐसे पर्सनालिटी की पर्सन बहुत कम देखने को मिलता है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होगा उनमें प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा। और जब आपकी शादी हो जाएगी इनसे तब आपके लाइफ में पैसों की कमी नहीं रहेगी, लव की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ का कोई भी कमी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मेजर मैसेज में सन कार्ड आया था फर्स्ट, आप देख सकते हो। सो डेफिनेटली आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बाय।